बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता टीवी से बातचीत करते हुए किसानों की समस्याओं पर बात की, साथ ही नए बिजली कनेक्शन लगाने का नियम भी बताया और राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया। हरियाणा में किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन कितने दिए जाने पेंडिंग है और अब तक सरकार ने कितने ट्यूबवेल के कनेक्शन जो है वो जारी किए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही धान की बिजाई का सीजन जारी है और ऐसे में किसानों को बिजली कितनी मिल रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं बातचीत करने के लिए। सर, हमारे जो हरियाणा के किसान हैं उनको ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो जून 2022 तक देने का एक लक्ष्य था, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, कितने कनेक्शन जारी कर दिए गए? 19,000 कनेक्शन हमने जून 2021 तक दे दिए थे। 6,000 कनेक्शन अब जो नए हमने देने थे उसमें दे दिए। कोई आप ये समझिए कि 23,000 कनेक्शन और रहते हैं जो जून 2022 तक हम दे देंगे, अभी इसी महीने में कंप्लीट कर देंगे जी। तो ये करके हमारे 48,000 कनेक्शन हो जाएंगे टोटल। जो कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई करा था उसमें कुछ विड्रा करके कुछ सोलर पे चले गए, हमारे कोई कनेक्शन रहते हैं कोई 25,000 और 30,000 के करीब बाकी। उसके लिए हम इसके बाद ये करेंगे कि लोगों से खुले उनसे लेंगे और उसके बाद उन्हें हम अपनी जो मोटर्स हैं वो हमारी 8 हमने मार्क करी हुई हैं, अलग अलग शक्ति है आपका, ये ओसवाल्स हैं, क्रम्पटन है, तो जिनको जो लगे वो बाजार से खरीदे। हमारा जो जेई होगा एस जी होगा मौके पे जाके वेरिफिकेशन करेगा, जुगाड़ नहीं हम उसे अप्रूवल देते जाएंगे जी। ये सामान्य ट्यूबवेल कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं सर, लेकिन जो सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल कनेक्शन है उसमें भी किसानों ने काफी उत्साह दिखाया है और जगह जगह पर किसान जो है वो उसमें रुचि लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? वो हमने 17,000 पहले दे दिए, सेकेंड पहले फेज में 15 दिए, सेकेंड में 17 दे दिए, अब नए में हमने 6 दे दिए, तो आप ये समझिए कि 28,000 दे दिए। अब इस साल हमारा 50,000 का टारगेट है जिसमें 6 दे बैठे और बाकी 44 हम इसी साल में दे देंगे जी। तो आप ये समझते हैं सर कि जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है सामान्य है उससे ज्यादा रुचि अब सौर ऊर्जा के कनेक्शन में किसान ले रहे हैं, चूंकि किसान का खर्चा भी उसमें कम है और साथ ही साथ किसान की जो जरूरत है वो जल्द पूरी हो रही है? ये कि हम 75% सब्सिडी होगी, 30 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 45 हम दे रहे हैं, किसान के हेड पे खाली 25% आता है। सेकंड उसको ये फायदा है कि घर में बिजली का खर्चा नहीं होता, उसकी जो फार्म हाउस है या डहानी है उस पर बिजली फ्री चलती है। और तीसरा उसका ये है कि 5 से 7 एकड़ पे उसको वो सबसे ज्यादा उनको फायदा, मतलब कुछ सालों के बाद फ्री हो जाता है उनका, तो किसान इस बात से बहुत राजी है। तो ये जो ट्यूबवेल के कनेक्शनों को लेकर किसानों की चिंता थी, तो आपके जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कनेक्शन पेंडिंग भी है वो जल्द दे दिए जाएंगे? बहुत जल्दी हम दे देंगे, मैं समझता हूँ 1 साल में हम ट्यूबवेल कनेक्शन, वैसे तो देखो डिमांड बढ़ती रहती है कभी खत्म नहीं होती। जब ज्वाइंट पंजाब था, मैं बात कर रहा हूँ 1947 से पहले की, जब पंजाब जिसमें कश्मीर लाहौर भी था, तब पूरे इस ज्वाइंट पंजाब में सारे 2700 कनेक्शन थे, आज अकेले हरियाणा में मेरे ख्याल में 16,00,000 से ऊपर कनेक्शन है। तो ये डिमांड तो बढ़ती रहेंगे, ट्यूबवेल तो लोग मांगे मांगेंगे, पर मैं ये समझता हूँ कि जो जरूरत के जितने ट्यूबवेल हैं वो इस साल में हम दे देंगे, 1 साल में कम्प्लीट कर देंगे जी। सर, पिछले दिनों जब गर्मी का पीक सीजन था उस वक्त बिजली की भारी किल्लत रही, लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है? चूंकि धान की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में किसानों को धान की बिजाई के लिए या फिर गन्ने की बिजाई के लिए कितनी बिजली ट्यूबवेल के कनेक्शन उनके लिए दे रहे हैं आप? जून के स्टार्टिंग पे हमने 7 घंटे कर दिया था, 7-7 घंटे 3 शिफ्ट रखी थी, क्योंकि गन्ने की बिजाई पहले आ जाती है और 7 घंटे बहुत होता है। अब जब पैडी की बिजाई आई तो हमने 8 घंटे कर दी, अब 8-8 घंटे चल रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आज तक हमें कहीं एक जिले से भी कोई कंप्लेंट नहीं आती, बराबर बिजली मिल रही है लोगों को, बिना मांगे 8-8 घंटे मिल रही है। आम उपभोक्ताओं को जो बिजली की जरूरत है सर, जो उस में अगर हम देखें तो इस वक्त कितनी बिजली है, कितनी यूनिट जो है वो प्रतिदिन खर्च हो रही है, उपलब्धता कितनी है, अडानी ग्रुप से जो बिजली मिलनी थी वो आ गई है क्या? हमारे पास टोटल आज के दिन 9,000 मेगावाट हम पे अवेलेबल है, जो डिमांड है वो 10,252 कुछ है, और उसपे में 1,000 मेगावाट जरूरत पड़ती है तो बाजार से मिल जाती है। अभी बाजार में इसका भाव 4.5-5 रुपये, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि केरला आंध्रा और इसके बाद आपका तमिलनाडु उधर उड़ीसा बंगाल में मानसून बहुत पहले आ जाता है, तो हमारे भी पिछले बारिश हुई उससे कुछ लोड घटा है। नंबर दो, जो जहाँ तक इसकी बात है आपका, एक और आपने सवाल पूछा था दूसरा, ये जो बिजली हमारी जो उपलब्ध है, हमारे थर्मल सारे चल रहे हैं, हमें झाड़ी से भी मिल रही है, हमारी पानीपत की हमारी दोनों यूनिट चल रही है,
हमारी यमुनानगर की दोनों तीनों यूनिट चल रही है। इसके बाद आपका खेदर के हमारे दोनों यूनिट चले, एक बंद था हमारी 1200 मेगावाट वहाँ से भी मिली, अडानी से हमें 1024 जो मिली थी वो होगी, डैन सिंगा से हमें 300 मेगावाट मिल रही है। तो आज के दिन 9000 मेगावाट हम पे अवेलेबल है, कोई इश्यू नहीं है। यानी अब पूरे प्रदेश में चाहे ट्यूबवेल के किसानों की बात हो या आम उपभोक्ताओं की बात हो, बिजली की कोई किल्लत नहीं, कहीं भी कोई शिकायत ही नहीं है, कहीं भी नहीं। आप देख लेते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बिजली घर का घेराव कर देते हैं। दो तीन दिन जब ऐसा मामला आता हो गया था, अब कहीं भी नहीं है। हम सबसे बढ़िया परफॉर्म करें, पिछले 2.5 साल में जो हमारी कड़ी थी उसी के साथ फिर जुड़ गए। नया पावर प्लांट लगाने का एक विचार हुआ था सर, उसके ऊपर आगे कहाँ तक बढ़े हैं और क्या तैयारी है उसको लेकर? कोई 800 मेगावाट का और मोस्ट प्रोबेबली ये यमुनानगरी होगा। फाइनल सिलेक्शन तो सीएम साहब की अप्रूवल के बाद होगी, पर जो हमने लोगों ने डिसाइड करा है वो यही, क्योंकि हमारे पास पहले वहाँ जमीन फालतू है, दो यूनिट लगे, तीसरे यूनिट वहाँ लगना है, उसकी जगह खाली पड़ी है, वहीं लगा लें, नई जमीन लेनी हो करनी हो, फिर हम पोल्यूशन से दिल्ली से दूर रखना चाह रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वो छूट करेगी। इसके अलावा सर एक राजनीतिक सवाल है, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जो है वो जल्द होने जा रहा है और एनडीए की उम्मीदवार जो है वो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, जबकि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार जो मैदान में उतारा है, आप क्या कहेंगे? चूंकि पिछले दिनों चंडीगढ़ में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया था, आपने भी हस्ताक्षर किए थे, तो क्या आप एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? मैं बहुत हूँ, मैंने तो किसी हमारे मित्र ने जो दिल्ली में है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मेरी बात भी करवा दी थी 3 दिन पहले, हमने उन्हें बधाई भी दी थी, ये भी कहा था कि अगर आपका यहाँ आना हो, अगर आप सीएम हाउस आए तो मुझे अच्छा लगेगा, एक मिनट मेरे घर भी स्वागत करना चाहूँगा। और एक तरफा इलेक्शन में समझते हैं नहीं कि सामने एक सिम्बोलिक फाइट है, यशवंत सिन्हा लड़ेंगे, होना भी चाहिए, पहले एक हरिराम लड़ा करते थे, 3 इलेक्शन पुरानी बातें, ये 60s की बातें हैं। तो पर उन्होंने एक ट्राइबल क्लास से चुना है, ठीक है कि राष्ट्रपति का पद भी एक बहुत गरीब आदमी हो सकता है, बीजेपी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, और एक तरफ इलेक्शन है बनेगी, ये तो एक अब वो उससे प्रक्रिया है जो कि पूरी होनी है, चुनाव तय मान के चले। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं वो जल्द किसानों को जारी कर दिए जाएंगे और अभी तक काफी संख्या में कनेक्शन दिए भी गए, और इसके साथ ही प्रदेश में बिजली की अब कोई किल्लत नहीं है, बिजली जो डिमांड है उसके मुताबिक लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ साथ रणजीत चौटाला ने एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत का भी दावा किया और ये कहा कि एक प्रक्रिया है वो पूरी जरूर होगी, लेकिन उनको भारी समर्थन जो है मिल रहा है और इसी के चलते उनकी जीत सुनिश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।